हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे स्लीव्स डिज़ाइन। तो ये हमने दो कलर का कपड़ा ले लिया है और इसमें हमने बुकरम चिपका ली है 1 इंच चौड़ी, और ये 3 3 इंच की हमने पट्टियाँ काटी हैं। इन दोनों को दो कलर की पट्टी लेकर के हम इस तरह रखेंगे मशीन में, और जैसे तावीज़ बनाते हैं कुर्ते का उस तरह सिलाई चला लेंगे, वी शेप में सिलाई चलानी है। फिर उनको हम सीधा करेंगे, नुक निकालेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई चला लेनी है। तो ये हमारा वी शेप में कुछ डिजाइन बन गया दो तरह का। तो ऐसी हमने ढेर सारी पट्टियां बना ली हैं, और ये हमने स्लीव्स ली है और उस पे हम इन्हें अटैच करेंगे। ये आप छोटी भी बना सकते हैं और इससे बड़ी भी बना सकते हैं। अगर ये वाला डिजाइन आप दामन में और प्लाजो में बनाना चाहें तो उसमें भी बहुत सुंदर लगता है, बट मैंने आस्तीन में बनाया है। ये डिजाइन जो हमने बनाया है, इसे इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई चलाते जाना है और डिजाइन की पत्तियां रखते जाना है। ऊपर से ध्यान रहे एकसार हो, ऊपर नीचे ना लगाएं, नहीं तो ये अच्छा डिजाइन नहीं लगेगा। अगर एक साथ लगेंगी तो बिल्कुल बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छा डिजाइन लगेगा, और आपकी मर्जी है जिसमें भी इस डिजाइन को बनाएं, दामन में, प्लाजो मोहरी में और किसी भी चीज में आप इसको बना सकते हैं, और ये बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो हमने पट्टियां बनाई हैं सारी हमें इस तरह अटैच कर लेनी है। बाजू में तो हमें इतनी ही जरूरत है, तो हमने ये बाजू में पट्टियां अटैच कर ली हैं। हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। और सीधी सिलाई चलाएंगे किनारे किनारे इन पट्टियों को दबाते हुए। तो ये हमने सीधी सिलाई चला करके कंप्लीट कर लिया है। अब धागा को कट कर देंगे और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी कट करेंगे दोनों तरफ से, क्योंकि हमने पहले कट नहीं किया था डिजाइन की वजह से। और इस डिजाइन को इस तरह सीधा करते हुए हमें किनारे किनारे सिलाई चला के इसे बिठा लेना है। तो ये हमारा धागा टूट गया है, अब हम इस धागे को सही से डालेंगे और किनारे किनारे सिलाई चलाते हुए इसे हम अच्छे से परफेक्ट उसमें बैठा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर डिजाइन बनके निकली है। अब हम एक कपड़ा लेंगे 4 इंच चौड़ा, उसे डबल फोल्ड करके सिलाई चला के उसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा 1/4 इंच चौड़ी पट्टी निकली है, और इसे हम बीचों बीच रखते हुए फ्रिल बनाएंगे। जैसे हम स्कर्ट में चुन्नटे डालते हैं उस तरह की चुन्नटे डाल करके, एक बार इधर की तरफ हम चुन्नटे लेंगे और एक बार अपनी तरफ, इस ऐसे ही सारी चुन्नटें डालते हुए इसे कंप्लीट करेंगे बीचों बीच सिलाई चलाते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे।
ये आप चुन्नटे देख रहे हैं, हमें इस तरह से चुन्नटे डालनी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। तो अब सुई धागा की मदद से मैं बीच से इस तरह से इसे स्टिच करते हुए मोती लगा करके कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी इस तरह का डिजाइन आया है, आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको समझ में आए अच्छे से और आपका डिजाइन फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छा परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। अगर हमको आप अच्छा सपोर्ट देंगे तो हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो रोजाना एक अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।